गाइस हम होटल में आ गए हैं और जितने भी जो भी क्रिएटर आए हैं हमने उनको रूम रूम दिला दिया। आपने हमको उसकी वीडियो में देखा हो कौन आया है और मैं अपनी वीडियो में बाद में दिखाऊंगी। और हमने उनको भी रूम रूम दिला दिए हैं और अब थोड़ा सा होटल में थोड़ी ख़राबी आ गई है। पता नहीं क्या है कि लाइट नहीं आ रही है, उसको उनका जो ट्रांसफार्मर है कुछ नहीं देंगे, फ्री में पैसा लगेगा। ऐसे कैसे होटल के पैसे, पानी के पैसे कौन लेता है यार। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कौन कौन से रूम हुए, क्या क्या हुआ है, ठीक है। और अब बहुत सारी भीड़ आने वाली है और बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। चलते हैं, फिर मिलवाते हैं आपसे कौन कौन आया। मैं अपने ब्लॉग में अलग मिलवाऊंगी और ये अपने ब्लॉग में अलग मिलवाएंगे। तो आपने होटल तो पहले से देखा हुआ है, बहुत ही मस्त होटल, बहुत ही जकास होटल है और रूम भी बहुत अच्छा। बस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में आती ही रहती हैं, कोई नहीं, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो फिर मज़ा किस बात का है, ठीक है। चलते हैं, रह तो बड़ा रूम ले रहे थे, उसमें गेट नहीं है। मुझे रूम चाहिए नहीं, मैं तो कॉरिडोर में सोऊंगा। कैमरा मैन कितने हैं? 6। अरे कौन जमा नहीं हो गया, हम तंदे कहीं ठोक देते हैं। हां क्या कर रहे हो ये आप लोग? हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, खाना खा रहे हैं। आप बोतल का अंदर देखिए भाभी जी, आप उधर देखिए। ये हमारी ढाबा की पहचान है, आपको पता नहीं है? आपकी पहचान का ही तो ये ड्रामा कर रहे हैं। देखो कितनी शर्म की बात है यार, आप लोग ऐसे करके गंदगी छोड़ जाते हो। एटलीस्ट ये तो देखो ना, होटल वाले इसमें भी क्या करें जब लोग ही ऐसी गंदगी फैला देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पैसा दिए ना, एक बंदा रखे साथ में, साफ करता रहे, पैसा किस चीज का दे रहे हैं? तो जहाँ आप थूके गए भारी वहीं साफ करते रहे। अच्छा, वालों की सहूलियत के लिए ही तो बोतल में थूका है। हम पैसा यही थूक देते हैं। शुक्र करो कि आपके बेड में नहीं थूका मिला। वहाँ पर भी होगा, सही बात है, वहाँ भी देखना पड़ेगा। पर यार जो भी है, अगर होटल में एटलीस्ट एक थोड़ा कुछ अपना भी ध्यान रखो ना, जैसे थूका थागी गलत बात है। तो होटल लग्जरियस चाहिए और आप खुद उसको थोड़ा सा मेंटेन, अपने घर वाल घर को तो अच्छे से रखते हो, वैसे होटल को भी अच्छे से रखा करो। जो भी रहे रूम वगैरह में थोड़ा साफ सफाई खुद से भी रखो। देखो ना यहाँ बेड के नीचे, बेड उसके ब्लैंकेट के नीचे वगैरह देख लेना, रेड 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 थोड़ा कुछ ना हो। पान मसाला तकिए के पीछे देखो, कहीं पुड़िया पड़ी। कानपुर में सबसे ज्यादा कौन सा उठता है यहाँ पे? साला ये कमला सबको पसंद है। घर में लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल, कब वो से नहीं आ रही, पानी भी नहीं है रंगी में। तो ऐसा करो बैग लगाओ, होटल चलते हैं। सच में चलते हैं? हाँ होटल चलते हैं, बैग लगा लो, कपड़े रख लो, होटल चलते हैं। होटल चलते हैं। हाँ मैं तो ये काम निपटा दूंगी, डब्बे पे दियो। हाँ ये दिया तो मैं ध्रुव को तैयार करती हूँ, होटल चलते हैं। तो होटल चलना अब क्या? मम्मी का इंतजाम करते हैं, क्या चार पांच बोतल कर देंगे? बिल्कुल नहीं बोतलें, एक ही तो। अभी होटल चलो ना फिर। ये बस पार्टी से पार्टी, चार पांच दिन से मैंने ये बोल दिया पार्टी से पहले, मैंने कहा चलो अश्वी से ही करवाते हैं, क्योंकि अब अपने टावा में है इतना लग्जरियस सैलून, तो यहाँ भी तो करवाना ही है आपने, घर पे क्यों करना है ना? बिल्कुल जरूर। और इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की करे तो फिर डेली के लिए लड़की हो तो फिर तो
खाली ना रहे मेरा सैलून। हाँ सही बात है, हाँ बिल्कुल ना रहे। अरे एक बार मेरे भैया आए नॉन में, वो कह रहे ये यूनिसेक्स है, मैं कह नहीं है। यूनिसेक्स होता तो मैं पागल हो जाती। नहीं सच में अच्छा होता, कर लेते बढ़िया होता। नहीं फिर आप जैसे को अनकंफर्टेबल फील होता है ना, यूनिसेक्स भी लड़के 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 आ जाते ना, तो हाँ काफी लोग कंफर्टेबल। ये देखो ना आपकी कंफर्टेबल का मतलब समझ जाओ, जो भी है उसका ख्याल रखा है। तो जल्दी से आ जाइए आप लोग विजयनगर चौराहा पे, AS ग्लैम जोन है, वहाँ पर आप आ जाइए। आप ही कराओगे? छोटे छोटे बाल रख के आपके, तो इन्हें पहुंचा के देख ला। ऐसे तो ये तो पूरे ही उसमें आ जाएंगे। सो गाइस यहां मेरे को तुम ज्यादा घर घर नहीं करने लग रहे हो, फंक्शन है, फंक्शन वगैरह में तो कुछ करो। अरे मैं कपड़े कहां लाई ये उसमें ही कर लेना जो करना है। क्या करना है, चलो तुम्हारा भी हेयर वॉश हो गया है जी। कहां जी जा रही हूं, और उसे कहूँगी रेडी रेडी हो जाओ कि बाहर चलना है। क्या होगी मुझे वाईफाई का पासवर्ड क्या है मुझे भी नहीं पता।